कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू की जाए, इस मांग को लेकर राज्य कर्मचारी और अनेकों संगठन के कर्मचारी हड़ताल पर जाने से कार्यालयीन कामकाज प्रभावित होने से अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर यह आंदोलन ऐसे ही आगे चलता रहा तो जन सामान्य को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस आंदोलन का असर सावनी शहर के वरिष्ठ स्तर और कनिष्ठ स्तर न्यायालय के साथ ही उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगर पालिका, पंचायत समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, भालेराव हाई स्कूल आदि स्थानों पर सुबह 10 बजे से एक ही मिशन पुरानी पेंशन का नारा देते हुए अपने अपने कार्यालयों के प्रांगण में राज्य सरकारी कर्मचारी राज्यव्यापी आंदोलन में शामिल हुए तो न्यायालय, स्वास्थ्य जैसे अनेक कार्यालयों में लाक्षणिक आंदोलन कर काले फीते लगाकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर कुछ कर्मचारी अपनी सेवाएं भी देते दिखाई दिए। कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन कर इस राज्यव्यापी आंदोलन को वरिष्ठ समाज सेवी और जिला परिषद नागपुर के पूर्व उपसभापति मनोहर कुंभारे ने समर्थन देते हुए कहा कि राज्य सरकार अति शीघ्र पुरानी पेंशन योजना लागू कर आंदोलनकर्ताओं का समाधान करे। राज्य भर में चल रहे इस आंदोलन में अनेक संगठनाएं शामिल होकर अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार अपने अड़ियल रवैये से टस से मस होती नहीं दिख रही है। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन मांग सरकार से की है, जिसमें पुरानी पेंशन लागू करे जिससे सेवानिवृत्तियों के बाद के दिनों में उन्हें सहारा मिल सके। इसलिए इस पेंशन योजना को सरकार ने तुरंत लागू कर कर्मचारियों के भविष्य का विचार करना जरूरी है। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन लागू की गई है, मगर महाराष्ट्र सरकार राज्य कर्मचारियों को पेंशन देने में आनाकानी कर राज्य कर्मचारियों को परेशान कर रही है। पेंशन के मामले में राज्य सरकार उदासीनता दिखा रही है। बार बार राज्य कर्मचारियों ने राज्य सरकार को इस बारे में अवगत कराया। राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने के लिए मोर्चा आंदोलन भी किए गए, लेकिन राज्य सरकार इस ओर ध्यान देने न आज आखिर राज्य सरकार के कर्मचारियों ने राज्यव्यापी आंदोलन में शामिल होकर पूरी तरह से काम बंद आंदोलन किया है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह आंदोलन की परिस्थिति बनी रही तो स्थानीय स्तर पर होने वाले कामकाज पर बुरा असर दिखाई देगा। इस तरह की परिस्थिति पहले दिन से दिखाई दे रही है। राज्य सरकार से राज्य कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन लागू हो इसलिए आज से तीव्र आंदोलन का कदम उठा चुकी है। अगर इसी तरह हड़ताल शुरू रही तो अनेकों योजना के कामकाज पूरी तरह से बंद पड़ने के आसार हड़ताल के पहले दिन से ही दिखाई देने लगा है। पिछले 3 दिनों से शुरू इस आंदोलन में महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के जिला अध्यक्ष तुषार अंजनकर, नगर परिषद सावनेर में महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत सनवर कर्मचारी संगठन द्वारा नागपुर जिला अध्यक्ष धीरज देशमुख आदि के मार्गदर्शन में जारी आंदोलन में मालती लांजेवार, निसीन वासनिक, महेंद्र टूले, शशिकांत पाटिल सहित भालेराव हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के सैकड़ों शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों ने पंचायत समिति सावनेर के गेट पर धरना दिया। बात ऐसी है कि हमारे जब जूनियर पेंशन के एक साथी मर गए, गुजर गए, उनका पेमेंट 67,000 था जब वो गुजरे, मगर जब उनको गुजरने के बाद उनके कुटुंब को जो पेंशन मिलना चाहिए था वो सिर्फ 500 रुपये मिलती। अब मेरे को एक बात बताइए, 500 रुपये में आज मेस का डब्बा नहीं मिलता एक महीने का, तो 500 रुपये में उसके घर की फैमिली कैसी चलेगी? देखो, हमारी एक सुकानु समिति है जिसमें आपका संगठन के लोग है, वो जब तक बोलेंगे तब तक हमारा ये आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा। सरकार ने उसकी दखल लेना चाहिए था। वैसा हमने जो हमारे 10वीं और 12वीं के बच्चे है, टीचरों के माध्यम से वो 10वीं और 12वीं के पेपर हम ले रहे हैं, मगर पेपर जांचने के लिए यदि आंदोलन चलता रहा तो हम पेपर नहीं जांचेंगे। सही बात तो ये है कि जूनी पेंशन योजना जो है ये सबके लिए, वो चाहे कोई भी पार्टी करे। आज मेरे भाई बहन है जो बीजेपी में या अन्य पक्ष में, उन्हीं के भाई बहन नौकरी पे आज है, तो ये सब कुछ लागू है। ये कोई एक पक्ष के लिए नहीं है, ना ये कर्मचारी के लिए, ये सबका जो विषय है, ये सभी का विषय है, कोई एक पक्ष का नहीं है। और जो हमारी पार्टी है उनका तो समर्थन है ही जूनी पेंशन योजना को। और ये जो अनशन में जो बैठे हैं, इनका जो धरने में जो बैठे हैं, यहाँ के जो कर्मचारी, ये सही बात है, हमारा जो पार्टीमा है और पार्टीमा हमारा जारी रहेगा। और इनको सरकार ने न्याय देने को ना, ये हमारी एक मांग है। ये तो सरासर अन्याय है, क्योंकि उनको जो बुढ़ापे का जो सहारा रहता है, आजकल तो मालूम है लड़के लड़कियाँ बाहर चल जाते हैं, जब फिर जो माँ बाप जो बचते हैं तो उन्हीं के लिए सहारा करके वो पेंशन योजना बहुत जरूरी है। हमारा आंदोलन जब तक हमें जूनी पेंशन योजना नहीं मिलती तब तक चलता ही रहेगा। हमारे आज 3रा दिन है। यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के, जैसे आरोग्य यंत्रणा है, जिला परिषद विभाग है, तहसील विभाग है,
उन सभी डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित है। हमारी सबकी यही मांग है कि हमें जूनी पुरानी ही पेंशन योजना चाहिए, क्योंकि वो पेंशन योजना बहुत ही अच्छी है, लाभदायी है, और हम जब बूढ़े होंगे तब हमें जीने के लिए वो एक हमारा सहारा है। एनबीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।